जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चार बड़ी खबर, जिससे पहली बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार भाजपा सरकार को एक बड़ा झटका, केवल झटका नहीं दिया बल्कि डांट लगाई है। और किस मामले पर लगाई है? CAA में जब प्रोटेस्ट हुआ था और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लेकर डांट लगाई है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर है जो आपको सुननी चाहिए। वहीं दूसरी खबर दोस्तों कि आखिर सलमान और शाहरुख को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, ये वजह सामने आई है। जी हाँ गाइस, अभी आपको पता होगा पीछे कुछ दिन पहले शाहरुख खान को टारगेट किया था और इसकी बड़ी वजह क्या वो है। वहीं तीसरी और बड़ी खबर है कि AM पार्टी को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM को लेकर एक बड़ी खबर है। इन तीनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जो पहली खबर है ना वो वाकई में बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं इस खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को यानी भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। जी हाँ गाइस, और झटका क्यों दिया है ये खबर सुननी चाहिए और फिर समझिए किस तरीके से BJP काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को डांट लगानी पड़ रही है। मामला जुड़ा हुआ है CAA से। पूरी खबर आपके सामने देखिए, अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर नतीजे के लिए तैयार रहे। ये कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किससे कह रहा है? यूपी सरकार से, यानी योगी सरकार से कह रहा है कि अगर आप बाज नहीं आए तो फिर आप नतीजों के लिए तैयार रहे। मामला क्या है? मामला है CAA प्रदर्शनकारियों से रिकवरी पर SC ने यूपी सरकार को फटकार लगाई यानी डांट लगाई। खबर आपके सामने है, कोर्ट ने यूपी सरकार को आखिरी मोहलत दी है, यानी इससे पहले वो कह चुके हैं लेकिन आखिरी मोहलत दी है यूपी सरकार को। कोर्ट ने की ओर तय नियम के खिलाफ, यानी कोर्ट ने जो कहा है कि जो यूपी सरकार कह रही है वो जो कोर्ट ने जो नियम तय किए उसके खिलाफ है। यूपी सरकार ने मृतक को भी प्रदर्शनकारी बताते हुए नोटिस जारी किया, यानी यूपी सरकार ने क्या किया, जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं उसे भी ये बताया कि ये प्रदर्शनकारी है और उसके यहाँ नोटिस जारी कर दिया। खबर आपके सामने है, खबर है CAA कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से जारी रिकवरी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि वह रिकवरी से संबंधित कार्रवाई को वापस ले, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई वापस नहीं करी गई तो हम कार्रवाई को खारिज कर देंगे क्योंकि यह नियम के खिलाफ है। वहीं यूपी सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आप नतीजे के लिए तैयार रहें। सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज है और किन शब्दों का यूज कर रहा है यूपी सरकार को, और किस चीज के लिए कि CAA में जो विरोध हुए थे, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, उन प्रदर्शनकारियों के घर पर जो है नोटिस जारी किया गया है कि भाई आपको रिकवरी देनी है, आपको पैसे देने। अब ऐसे में एक इंसान जो इस दुनिया में है नहीं उसे भी प्रदर्शनकारी बता करके उस पर नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है नाराज हो गया, उसने इस तरह की तीखी करी है। ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, इससे पहले भी ये कई सारी चीज इस तरह की हो चुकी है। खैर दोस्तों, अब मैं आप बताना चाहता हूं आपको दूसरी और बड़ी खबर, और ये खबर आपको सुननी चाहिए। मेरा मकसद है आपको सूचनाओं से रूबरू कराना। सूचना है MIM पार्टी से जुड़ी हुई। आपको पता होगा प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि MIM पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे। खबर है कि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि यूपी चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी को झटका, कई जिलों के प्रमुख AIMIM नेता समाजवादी में शामिल हो गए। अब इसमें क्रोनोलॉजी क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, पहले खबर सुना देता हूं। खबर है कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लीडरशिप में आस्था जताते हुए गुरुवार को MIM के कई प्रमुख नेता अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। यूपी चुनाव का पहला चरण आज समाप्त हो गया है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को MIM छोड़कर कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, जौनपुर के कई प्रमुख नेता अपने समर्थक के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नेताओं को सदस्यता दिलाई। आज जिन लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सदस्यता दिलाई उनमें आफताब अहमद उन्नाव के रहने वाले हैं, रिया सिद्दीकी, इरफान साहेब, मोना मजहबी कानपुर, आयशा फातिमा फतेहपुर तथा जौनपुर से शहाबुद्दीन, मोहिद्दीन, मोइनुद्दीन और अकरम जहांगीर खान और शहरयार खान शामिल रहे। इतना ही नहीं, नरेश उत्तम पटेल ने आज BJP छोड़कर आए जगलाल पार्षद लखनऊ को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। कहने का मतलब क्या है, इन लोगों ने पार्टी की छोड़ी है। देखिए पहली बात क्या है,
जिन लोगों को टिकट मिल जाता है, क्या उस कैंडिडेट ने पार्टी छोड़ी या उसने पाला बदला? ऐसा तो नहीं हुआ। इन लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी? इनका मकसद है कहीं ना कहीं एक तरीके से कि फिलहाल जो है मौजूदा सरकार है उसको रोकना, ठीक है। और इस खबर को आप सिर्फ एक नजरिए से मत सोचिए, क्योंकि देखिए जमीन पर और किसी भी सूचना को देना, इसमें बड़ा फर्क होता है। चीजें जब हमारी बात हुई फोन पर, कुछ लोगों से बात हुई ऑफलाइन, तो लोगों का यह कहना था कि ये जो फैसला लिया गया है ये बड़ी सोच समझ के लिया गया है और ये पूरी सच नहीं है। ऑफिशियली बात भी पूरी की पूरी सच नहीं है। उनमें लोगों ने कहा कि हाँ वाकई में कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, बट उसके पीछे मंशा यह है कि मौजूदा टाइम में उनको एक अहंकारी पार्टी, उसको हराना, ये उनका अपना एक रीजन उन लोगों ने बताया। अब आप इस खबर को किस नजरिए से लेते हैं ये आपको देखना है दोस्तों। उसी के बाद मैं आपको बताने वाला हूं तीसरी और जो चौथी खबर है उसको सुनना चाहिए। आपको लग रहा होगा काफी समय से स्पेशली शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, चाहे उनके लड़के के मामले में टारगेट किया गया हो, उसके बाद आपको पता होगा थूक वाले मामले, जब इस देश से लेजेंड जो लेट लता जी हैं जो इस दुनिया से चली गई और हम सब लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी, जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है शाहरुख खान गए थे और उन्होंने अपने आस्था के अकॉर्डिंग जो भी किया आपको पता ही है, उन्होंने जो है कोई दुआ पड़ी होगी उसकी फूकी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसी को जो है बीजेपी के कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उसको ये बताया कि देखिए ये बंदा जो है एक तरह से जिहाद कर रहा है। जिहाद का मतलब क्या है, थूक रहा है, इसको मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि आखिर शाहरुख खान को ही बदनाम क्यों किया जाता है और ये बड़ा फेस क्यों है? तो सवाल यह है कि बस शाहरुख खान को नहीं, सलमान खान को भी बदनाम किया जाता है, लेकिन हम बात करें स्पेशली शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान एक वाहिद एक ऐसा एक्टर है जो 4 साल से मूवी ना बनाने के बाद भी मार्केट में अपडेट है। पूरी दुनिया में आप एक मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो, हॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो, या फिर आप टॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो या साउथ मूवी से जुड़ा हुआ हो, जिसने 4 साल के अंदर कोई मूवी नहीं बनाई और वो गायब नहीं हुआ हो। 4 साल तो छोड़ो, कोई एक्टर अगर 4 महीने नहीं आता ना तो वो बॉलीवुड से या मतलब कैमरे से गायब हो जाता है। लेकिन शाहरुख खान का ये स्टारडम तो है, उनकी मेहनत तो है, या उनकी एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग तो है कि 4 साल से किसी उस एक्टर ने मूवी नहीं बनाई लेकिन आज भी वो मार्केट में अपडेट है, हर तीसरे या चौथे दिन में ट्विटर पर ट्रेंड होते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है, एक जो कहते हैं ना नफरतें लोग हैं उनको परेशान करती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि शाहरुख खान एक वाहिद एक्टर ऐसा है कि उसने मोदी जी के साथ पतंग नहीं उड़ाई, उसने मोदी जी के साथ इंटरव्यू नहीं लिया, यानी अक्षय कुमार झुकाव देख लीजिए उनका, सलमान खान है उनका झुकाव देख लीजिए, लेकिन शाहरुख खान की बात की जाए तो शुरू से लेकर अभी तक उनका स्टैंड क्लियर रहा है, वो कभी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में कभी नहीं आए, ना ही उन्होंने कभी इस चीज को कोऑपरेट किया है। और उनकी मूवी का सिलेक्शन देख लीजिए, माय नेम इज खान देख लीजिए, चक दे इंडिया देख लीजिए, इस तरह की मूवी आपको उनके मिजाज को समझा देंगे कि वो किस सोच का इंसान है, क्या वो वाकई में रियल लाइफ में भी किंग है या रियल लाइफ में, तो समझ में आता है कि वो रियल लाइफ में तो किंग है लेकिन रियल लाइफ में भी किंग है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं सलमान खान की, कि सलमान खान को भी टारगेट किया जाता है और काफ़ी समय से किया जाता है, चाहे वो नेपोटिज्म वाले मामले में किया गया हो, उसके बाद उनके फार्म हाउस को लेकर उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने बदनाम किया, अब हाल में ही लगातार जैसे कंगना का एक नया शो आ रहा है तो सलमान खान को ट्रोल किया जा रहा है या उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे और बुरे काम होते हैं। सलमान खान का कद बहुत बड़ा है, मैं मानता हूँ जितनी बड़ी सक्सेस है उनकी है तो क्रिटिसिज्म भी उनका इतना बड़ा होगा, लेकिन आप ये खबर देखिए कि जहाँ सलमान खान ने सुनील ग्रोवर का इलाज कराया और ये जिम्मेदारी सलमान खान ने खुद ली, उनकी जो अपनी खुद की जो मेडिकल टीम थी उन लोगों ने सुनील ग्रोवर का इलाज कराया। सोचिए कि जब एक इंसान बीमार होता है तो सलमान खान सबसे पहले आते हैं, इसलिए ही उनका दिल बड़ा है, इसलिए ही रब ने उनको उस पोजिशन पर रखा हुआ है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल।